सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसी है मेरी वॉन्डरलस्ट फैमिली। सो टुडे वी आर गोइंग बैक। मैं हंस क्यों रहा हूँ, बिकॉज कल रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया था। आज जाने का हमारा प्रोग्राम हो गया था कि हम एक दिन और रुक जाएंगे, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा यार खेल खिलाड़ियों में अगर ऐसे दिन बढ़ाते जाएंगे मन तो कभी भी नहीं भरेगा, जाना तो फाइनली पड़ेगा, जो आया है वो तो वापस जाएगा घर को। तो चीनू और मैंने सुबह उठते से डिसाइड किया कि यार फटाफट से तैयार होते हैं। 6:15 बजे उठे एंड टाइम राइट नाउ इज 7:03, तो निकल लिए। चीनू वापस आके कभी गाड़ी में बैठती है तो एक बार चीनू का रिएक्शन भी देखते हैं कि वो क्या कहती है, कैसा लगा उसको, और मिलते हैं रोड के ऊपर। बाय। ये वाले फर्स्ट स्ट्रेच की स्पीड कम ही रहती है मोस्टली, बिकॉज यहाँ पे रोड बहुत टूटी हुई है शुरू से, लेकिन अब वी आर ऑन अ 4-लेन हाईवे। तो हम लोग पहुंच गए सागर। 10:50 इज द टाइम। पी ब्रेक के लिए रुकना था तो हमने सोचा क्यों ना टैंक अप कर लिया जाए और यहां से कोशिश करेंगे कि अब हम जाएं जितना हो सके नॉन स्टॉप जाएं, बिकॉज निकले लेट है। और जब तक हम पलवल वगैरह सब साइड पे पहुंचेंगे, मथुरा साइड पे पहुंचेंगे, ट्रैफिक काफ़ी हो जाने वाला है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हिलजुल करेंगे और फिर चलते हैं। गाड़ी की भी टंकी फुल, हमारी भी टंकी फुल। ब्रेकफास्ट हमने ऑन द गो घर से चीनू कुछ कुछ बनवा के लाई थी, वही कर लिया था। और सो फार थिंग्स लुक गुड एंड वी जस्ट विश, होप एंड प्रे दैट दे रिमेन द सेम। एक चीज़ के बारे में बात करनी थी मेरे को आपसे कि चीनू, मैं इनको भी बता दूं क्या? हाँ बता दूं। पक्की गल? हाँ। तो बात ये है कि मैंने चीनू से बात कराया कि चीनू न्यू ईयर रेजोल्यूशन यार ऑन कैमरा ही बोल देता हूँ, अब आप लोगों के सामने भी बोला होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी मैं बीच में से गोची कर जाता, लेकिन करूँगा नहीं। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अपने में कुछ करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, आई वॉन्ट टू शेड सम केजीज, क्योंकि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ उसके बाद से जिम वगैरह तो बिल्कुल बंद ही है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम है। और यार बूसा ले लिया ना जब से, आई टेल यू कि बूसा इज़ वेरी टायरिंग, इट इज़ लाइक यू नो वेरी हैवी। तो उसको चलाने के लिए बॉडी शॉडी चाहिए, डोले शोले चाहिए, डोले शोले होंगे तो अच्छा भी लगेगा। और एक तो ये करना है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं हो जाएगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। वैसे चीनू का न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैंने इससे पूछा क्या है तेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो बोली मैं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेती। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहती क्योंकि परफेक्शन को और कितना परफेक्ट करूंगी मैं, आई एम ऑलरेडी वेरी परफेक्ट। आई एम डोन एंड आई नो एवरीथिंग एंड आई एम ऑसम। आई एम चीनू, आई नो एवरीथिंग एंड आई एम ऑसम। अब ऑसम मैडम, चलते हैं, अच्छा मौसम है और तू ऑसम है, यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आगे।
ललितपुर क्रॉस करके झांसी और ललितपुर के बीच में है और इतनी सुंदर वाटर बॉडी है ना यहाँ पे, जस्ट लुक अराउंड। अब ये कौन सी नहर है या क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इट लुक सो अमेजिंग। मैंने कोशिश करी यहाँ से ड्रोन को उड़ाऊँ, लेकिन हवा बहुत तेज़ है तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लूज माई ड्रोन। लेकिन अच्छी लगी, 2 मिनट रुकने का मन था, काफ़ी किलोमीटर्स क्लॉक हो गए हैं, 400 किलोमीटर के आसपास शायद हम आ चुके हैं। और मौसम बढ़िया है, अब इस समय सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, धूप बढ़िया वाली है। और यहाँ पे खड़े होकर ना इट इज़ सो ऑसम, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, लव इट यार, लव इट, जस्ट लुक अराउंड। It is so vast, it looks so mesmerizing here. लेकिन बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं तो फटाफट से निकलता हूँ। और बाई गॉड की कसम समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई है, लेयरिंग करते करते सुबह जैकेट थी, पहले जैकेट उतरी फिर स्वेटशर्ट उतर गई, चीनू बोली अब ये पहन के रखना। इसके बाद चमड़ी आ जाएगी, फिर चमड़ी चीनू उधेड़ देगी। कुछ भी यार, जो भूसा का सपना लेने पे डांट सकती है वो अगर टी शर्ट उतार दी तो चपनी नहीं उतार देगी। हद है मतलब, वाह वाह, हद ना लो ये बात। Adios amigos, see you on the other side। ग्वालियर के पास में रुके हैं और ये हाई टेंशन वायर्स के आसपास में जो ये बने रहते हैं, इनके ये खंबे बने रहते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट्स की आर्मी आई हुई हो। ये देखो इसकी शक्ल देखो, और ये पोल्स को देख के लग रहा है कि एक नहीं अनगिनत है, और इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई ना रोबोट्स की सेना आई हुई हो यहाँ पे। इट इज लुकिंग सो ऑसम, मैं इतना मतलब मेरे को ना इमेजिन करके ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी रोबोट्स की सेना चली आ रही है, जिन्होंने सारों ने कुछ कुछ तारे बांधी हुई है अपनी आपस में। तो मैंने ये एग्जैक्टली क्लिक करके मैं इंस्टा पे डाल रहा था, और इंस्टा पे डालते डालते मेरे को याद आया कि यार ये वीडियो आप देखोगे ऑलमोस्ट एटलीस्ट जल्दी से जल्दी भी देखोगे तो 1.5-2 हफ्ते बाद देखोगे, तो इंस्टा पे फॉलो करो। हमारे जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है हम इंस्टा के ऊपर ऑन द गो डालते हैं, तो फॉलो करो और एंजॉय करो। ओके, कहीं पे लटकता हुआ आ ही रहा होगा इंस्टा का आईडी हमारा, तो प्लीज गो अहेड, और जो भी फॉलो करेगा एक एक रोबोट उसका। ये सही है, एक एक रोबोट उसका ले जाना, यहाँ से आके उखाड़ के ले जाना फ्री में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये बात कर रहा था मैं कि घर से लेके चलना मेथी के पराठा, मतलब जो मर्जी ले लेना, लेकिन हमारा लंच भी ऑन द गो और ब्रेकफास्ट भी ऑन द गो हुआ था ताकि डिनर घर जाके हो सके, नहीं तो रास्ता लंबा है यार। मतलब पराठा सर डिलीशियस ही, एकदम सॉफ्ट एंड डिलीशियस, वाह लविंग इट। चीयर्स टू लाइफ, चीयर्स टू माय वाइफ। इट इज 4:45 और आगरा से बाईपास के ऊपर टर्न करते से रुक गए, चाय की बुरी तरह से तलब थी, सुबह से आज चाय नसीब नहीं हुई बिकॉज कहीं रुके ही नहीं, कॉन्स्टेंटली चल रहे थे। और वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, अभी पिछले 2-2.5 घंटे से अच्छे वाला ट्रैफिक है, जब से हम एज एन मुरैना से भी पीछे ही थे वहीं से ट्रैफिक शुरू हो गया, और जब से ट्रैफिक है ही है, लेकिन ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, मज़ा आ रहा है, ड्राइव अच्छी है। लेकिन अब हम असमंजस में आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यमुना एक्सप्रेसवे से जाना चाहिए या मुझे मथुरा रोड से जाना चाहिए जो ये NH2 से,
तो अभी बैठेंगे, कुछ मंथन करेंगे, गूगल मैप्स को खोलेंगे और अगर कुछ समझ में आएगा तो वैसे करेंगे। और जैकेट अपनी बाहर आ चुकी है, हीरोगिरी ख़त्म, कैप भी पहन ली, कैप के ऊपर कैप, बाय गॉड की कसम क्या ठंडी हवा। कैसन मैडम आ रहा है मज़ा, क्या हुआ, बैटरी डाउन? नींद का अटैक आ रहा है मुझे। तो भूख का अटैक आता है और नींद का अटैक आता है, मतलब जब भूख लगती है तो कहीं पे भी हम हो इसको खाना चाहिए, और नींद का अटैक आए तो कहीं पे भी हो इसको सोना चाहिए। एक्चुअली रॉनी को भी तैयार कर रहे हैं अपनी तरह वॉन्डरलस्ट बनाने के, उसमें रखिए रखिए, तो चाय की चुस्की भरेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे। कुल्लड़ वाली चाय, कुल्लड़ वाली। तो आगरा से निकल चुके हैं हम, चाय डन, दो कप मैंने पी, एक कप चीनी चाय पी, क्या चाय बनाई थी, कुल्लड़ वाली चाय, मजा आ गया। और इतनी मीठी थी ना, बोलते ना कि खड़े चम्मच वाली चीनी थी उसके अंदर, इतनी चीनी थी कि मेरे होंठ अभी तक चिपक रहे हैं। लेकिन चाय वाज रियली गुड, एकदम मतलब बाहर निकला मैं और मैंने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो जो एकदम से ठंड लगी ना, उसके बाद जो गर्मा गर्म चाय पी, इंस्टा की स्टोरी पे भी मैंने वही डाला था, गर्म चाय की प्याली हो, क्योंकि मेरे को उस समय चाहिए थी वही एग्जैक्टली। बट एनी हाउ, ये वाला पार्ट मैं सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द गोल्डन आवर राइट नाउ, और इसके बाद लाइट बिल्कुल चले जाएगी और लो लाइट में शूट करने का कोई मतलब नहीं है कुछ खास ज़्यादा। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हम आपको सीधा मिलेंगे घर पहुँच करके, लेकिन अगर कुछ भी बीच में इंटरेस्टिंग हुआ तो बात करेंगे, नहीं तो मिलते हैं घर पहुँच के। फाइनली इट्स 8:28 और हम पहुंच गए घर, घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं बिकॉज अंदर काफ़ी डार्क होता है बेसमेंट में, तो वीडियो दिखता नहीं अच्छे से। बट एनी हाउ इट वॉज अ रियली नाइस जर्नी, बिल्कुल बढ़िया से आ गए। ट्रैफिक सिर्फ हमारे को ग्वालियर के बाद मिला है और ग्वालियर के बाद बढ़िया वाला ट्रैफिक था एक्चुअली। तो चिनू और यहाँ तक था टायर्ड, तो शी इज टायर्ड नाउ, बट एनी हाउ What is done is done। पूरी की पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही और आप लोगों ने भी बिल्कुल हमारे साथ पूरा निभाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल, रब राखा माई फ्रेंड्स, लव यू, बाय।